रानी की ओर से और आदर्श महिला महाविद्यालय की ओर से आयोजित किया गया। इसमें जो जर्नलिस्ट पत्रकार भाइयों को जो सम्मानित किया गया है वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और कोई भी सम्मान जब मिलता है तो इंसान को प्रोत्साहित करता है कि जीवन में और अच्छा कुछ करूं। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड रिवॉर्ड होते हैं, एंड अवार्ड इज़ ए रिवॉर्ड बेसिकली फॉर योर वर्क, कि भाई आपको जो है अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते रहिए। तो ये जो भावना इस मंच से गई है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग यहाँ देखे और सुने आज बातों को, और जितने भी वक्ता थे सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को रखा, मुझसे ऑडियंस ने महाभारत के विषय में कहने को कहा तो मैंने भारत के कुछ प्रसंग जो है उनको सुनाए। बड़ी खुशी होती है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी महाभारत और रामायण को लेकर इतनी जागरूक है, क्योंकि ये हमारा देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो भी उन संस्कारों से जुड़ी हुई, उन परंपराओं से, उन मर्यादाओं से जुड़ी हुई। तो मैं कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस तरह के कार्यक्रम जो है होते रहने चाहिए। और हमारी ओर से, हम कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, हमारी तरफ से कोई भी सहयोग कभी भी हो तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। पत्रकारिता जो है वो बेसिकली देश की जनता को, देश के समाज को जागरूक करने का एक माध्यम है, और मेरा तमाम पत्रकार भाइयों से अच्छे संबंध रहे हैं, और मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है हर मंच पे कि पत्रकारिता जो है वो स्वच्छ और सीधी होनी चाहिए। उसमें आप मसाला लगा के पेश करेंगे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक आपका मटेरियल एक पत्रकार के रूप में पहुँचता है वो न जाने किन किन लोगों को प्रभावित करता है। तो जब तक अच्छी बात, सच्ची बात, सीधी खबर होगी तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संदेश लोगों तक जाएगा, और देश की प्रगति में हमेशा पत्रकारों का, पत्रकारिता का योगदान रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इसको जितना भी स्वच्छ रूप में पेश किया जाए वो बेहतर होगा। तो कला के क्षेत्र में क्या समझेंगे, कला के क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार से किरदार निभाया है, उस प्रकार से आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फिल्में जो है वो मास मीडिया है और समाज का दर्पण होती है बेसिकली, और फिल्में जो हैं जिस तरह से पत्रकारिता जो है असर करती है, फिल्मों का अच्छा होना भी जो है अच्छे संदेश लेकर लोगों तक जाए तो उसका प्रभाव भी लंबा होता है और उसका असर बहुत ही लोगों तक पहुंचता है। मेरा निवेदन यही है कि जो फिल्में बनती हैं वो अगर किसी संदेश के साथ बने और प्रसारित हों तो अच्छा रहे। अगर फिल्म जगत की बात की जाए जी, महाभारत जो स्कूलों में लागू करने से ठीक से पूछिए, जोर से पूछिए ना। देखिए, महाभारत के जो पाठ्य सामग्री के अंदर लाने की बात है जी, जो जिस प्रकार से पहले शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल शिक्षण संस्थानों के अंदर जो महाभारत का विषय नहीं है, आज क्या करना चाहिए? महाभारत विषय है, क्यों नहीं है? शिक्षा क्षेत्र का विषय है, इसको तवज्जो दी जानी चाहिए। रामदेव जी जैसे वो नहीं मिल पा रही, कुछ कारण रहे होंगे, सरकार तक बात पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि सरकार भी इसके बारे में बहुत सकारात्मक है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखता है कि डेफिनेटली ये विषय जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे संस्कारों को मजबूती देते हैं बेसिकली। ये जो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हमारे देश में हैं, ये हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को मजबूती देते हैं। तो हमारी जो मजबूती देनी है देश को, वो युवा पीढ़ी से ही देनी है, उन बच्चों से ही देनी है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वहाँ से मजबूती होगी तो फिर आगे जो है बहुत सारी सुविधाएँ हो जाएंगी, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक नए भारत को निर्माण में लग जाएगी। सर, आज आप भिवानी आए हैं, आप भिवानी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवानी वासी जो है बहुत प्रेम वाले लोग हैं, बहुत प्रेम भाव से बातें करते हैं। ये मेरा चौथा ट्रिप है एक्चुअली भिवानी आने से।